तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीचार्ज में से फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से ये ऑप्शन मिला है फिक्स डिपॉजिट का। तो यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपका जो कोई भी अकाउंट हो यहाँ पे आप अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आप कितना रुपए तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कितना परसेंट तक इंटरेस्ट मिलेगा, सारा चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो है मैं अशोक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में आपको नीचे फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में आकर नीचे देखना है, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसे एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम 5000 से ज़्यादा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, 5000 से कम नहीं कर सकते और 90,000 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ पे दिया है 6 मंथ से 1 ईयर तक आप कर सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट जो है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर्स तक कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे दिया है आप देख सकते हैं 12 मंथ तक। और यहाँ पे आप अगर 10,000 तक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको मंत्रा भाउचर 200 रुपये आपको मिलेगा। मंत्रा भाउचर आपको 200 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कैशबैक। और यहाँ पे गाइस आपको नो एक्सिस बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड, आपका एक्सिस बैंक अकाउंट हो या ना हो आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बना सकते हैं, आपका जो कोई भी अकाउंट हो। यूज एनी बैंक अकाउंट टू ओपन FD, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइस विड्रॉ एनी टाइम, आप अपना पैसा को एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहें अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो पेनल्टी, नो प्री मिच्योर विड्रॉल, यहाँ पे आप अप टू 25% तक विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर आप 6 मंथ तक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है 4.40% का। और यहाँ पे आप अगर 1 ईयर तक करते हैं तो यहाँ पे आपको 5.15% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्लाइड करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप 18,000, 20,000 से 20,000, 30,000 तक आप डिपॉजिट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे लिखा दिखाई देगा। आप अगर 20,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको 21,033 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा 1 ईयर तक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। यहाँ पे 6 मंथ का भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से स्लाइड करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं तो स्लाइड करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चलो 10,000 रुपये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 10,000 करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसे एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पान कार्ड ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा कुछ यहाँ पे फिलअप हो गया है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपका फिलअप नहीं हुआ तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली फिलअप कैसे होगा यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट पे सेक्शन पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, सिलेक्ट बैंक, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे सब लिखने के बाद सबमिट करना है। यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, सारा कुछ फिलअप होकर दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी ऊपर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आप सिंगल हैं या मैरिड हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैरिड है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे आप डाल सकते हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं आप, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे बिजनेस है तो बिजनेस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपका इनकम, मंथ में आपका इनकम कितना होता है अपने हिसाब से दे सकते हैं। बिलो 1 लाख, मैं 1 लाख रख लेता हूँ चलो।
तो उसके बाद आपका फादर्स नेम, उसके बाद आपका मदर्स नेम। तो यहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम लिखने के बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप अगर जिस जगह पे रह रहे हैं उसका ओनर है, आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर कंपनी प्रोवाइड है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ओनर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका पिन कोड देना है, एंटर पिन कोड। तो अपना पिन कोड मैं दे देता हूँ यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे पोस्टल कोड देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना है, आपका नाम, आपको आपका रिलेशनशिप आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये फॉर्म को आप फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करने से भी चलेगा। यहां पे स्किप का ऑप्शन दिया है, स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा, यहां पे देख सकते हैं आप जो जो फिलअप किए हो सारा कुछ यहां पे बताएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है कि नहीं, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्ट अमाउंट और इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चेक करने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपको एग्री कर लेना है। यहाँ पे राइट सिंबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कॉन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको KYC इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे आप आधार का नंबर या फिर वोटर आईडी का नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आधार का नंबर देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप वोटर आईडी का नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे आधार का नंबर दे देता हूँ। तो आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा और दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद वैलिड पे क्लिक करना है। तो OTP चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा और आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स चला आया है, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल्स चला आया है। आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी जाके OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे लिंक हो जाएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको 10,000 पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, या फिर QR, या फिर UPI से। आप UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका UPI ID देना है। UPI ID देने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो चलो मैं अपना UPI ID यहाँ पे दे देता हूँ। तो UPI ID देने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका UPI ID जहाँ से है वहाँ पे जाना है। मेरा यहाँ पे फ़ोनपे पे है तो फ़ोनपे पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, अपनी स्टेट बैंक, आप जो बैंक ऐड किए हो उसमें से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एड अनदर बैंक पे क्लिक करके अनदर बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका UPI पिन देकर यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करना नहीं चाहता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका 10,000 फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेमेंट करना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं बैंक में जा रहा हूँ। तो आप ऐसे ही अपना फिक्स डिपॉजिट अपने फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि आप फ्रीचार्ज में से फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।